दोस्तों, जहां पर बीजेपी सरकार कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, उनकी सेवाओं में पुलिस लगी हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान गाड़ी को आगे निकालने का विवाद इतना गहरा गया कि एक कांवड़िये की हत्या कर दी गई। मामला अब गर्माता जा रहा है। दरअसल वह कांवड़िया भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट का जवान था। छुट्टी पर साथियों के साथ हरिद्वार कांवड़ यात्रा उठाने आया था। मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव का रहने वाला था। उसकी उम्र 25 वर्ष थी। वह अपने दोस्त अमरेंद्र पुत्र पवन सिंह के साथ वह कांवड़ उठाने बाइक से हरिद्वार आया था। दोनों मित्र वापस लौट रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर नगली इमरती गांव के पास मोड़ पर हरियाणा के कुछ बाइक सवारों ने अपनी बाइक उसके आगे फंसा दी। कहा सुनी हुई और बाद में मारपीट में बदल गई। गंभीर रूप से घायल सिपाही को रुड़की अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में अब पुलिस ने आगे कार्रवाई करने की बात कही है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, मामले में हरिद्वार के ग्रामीण एसपी प्रेमेंद्र ढोभाल ने कहा कि हरिद्वार में 26 जुलाई को कुछ कांवड़ियों ने जाट रेजिमेंट के जवान पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। 20 कांवड़ियों के खिलाफ एक गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश जारी है। इस घटना के बाद से कांवड़ यात्रा मार्ग को सुरक्षा व्यवस्था पर चौकस किया गया है। जवान की हत्या के बाद माहौल गर्मा गया। जवान कार्तिक सावन माह में छुट्टी लेकर अपने घर आया था और कांवड़ उठाने हरिद्वार पहुंचा था। इसी क्रम में इमरती गांव के मोड़ पर बने फ्लाई ओवर पर हरियाणा के कुछ कांवड़ियों ने अपनी बाइक उसकी बाइक के सामने फंसा दी। यहीं से विवाद शुरू हुआ। हरियाणा के 5 कांवड़ियों ने लाठी और धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। जाट रेजिमेंट का जवान कार्तिक इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे तत्काल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां पर हालात बिगड़ते देख डॉक्टर ने उसे रुड़की अस्पताल भेज दिया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जवान के शव को कब्जे में लेकर मच्योटी में भेजा। इस घटना को लेकर 20 कांवड़ियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2 भारी वाहनों के नंबर पुलिस को दिए गए हैं। घटना स्थल के आसपास की सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। भौरी काला निवासी जितेंद्र ने तहरीर दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक ग्रुप डाक कांवड़िया आ रहा था। इसमें 80 से 90 लोग शामिल थे। हरियाणा के कांवड़ियों ने कार्तिक पर हमला कर दिया। तहरीर में कहा गया है कि पहले कार्तिक को निजी अस्पताल में ले जाया गया, वहां से सिविल अस्पताल रेफर किया गया। सिविल अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, इस तरह से ये कांवड़िये गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन इनके घरों पर बाबा का बुलडोजर नहीं चलता और ना ही मोदी सरकार इन पर कोई कार्रवाई करती है। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के ऊपर कार्रवाई होती है, अगर इनके ऊपर भी कार्रवाई होती तो शायद इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की वो हरकत करें, किसी जवान की जान ले लेते। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।